आई बताऊं अच्छा, भाई जो इसके अंदर हमारे पास फॉरेंसिक जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ी बहुत, इसके अंदर उसको हम थोड़ा एक नजर देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन इज अ एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर ऑपरेशन। अब जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस नहीं है कि कोई किसी ने आपको एक सेंटेंस बताया वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गई। जब हम फॉरेंसिक्स की तरफ आते हैं तो वहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक इतनी क्वांटिटी कहलाती है, इतनी वो एलिमेंट्स उसके अंदर जो है, जो यानी जो उनकी रोज की डेली की ऑपरेशन या फिर कोई ट्रांजेक्शन अगर है कंप्लीट उसकी जो है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे जिसको हम प्रिजर्व कर सके या जो के लाइक एविडेंस इस्तेमाल हो सके। रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स आर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ द मीडियम ऑफ फॉर्मेट। अब रिकॉर्ड किसी भी किस्म का हो सकता है, हमारे पास वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकता है, हमारे पास हार्ड कॉपी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसे हम, यानी कोई भी जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है या कोई किसी किस्म की जो है किसी भी एक्टिविटी की कोई जो है उसकी वहां पर प्रिंट्स मौजूद है तो that have value to an organization, the term is used to describe both documents and recorded data. उसके अंदर हमारे पास अगर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की हम बात करें उसमें जैसे हमारा ये वर्चुअल लेक्चर है ना, ये भी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम कोई यहाँ पर जैसे एक मिसाल के तौर पर हम ये प्रेजेंटेशन से पढ़ रहे हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एविडेंस की तरफ आए तो एविडेंस क्या है? एविडेंस कैन बी एनीथिंग, टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, दैट टेंड्स टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अलेज्ड फैक्ट। कोई भी फैक्ट एंड इशू की बात हम करें, जो फैक्ट एंड इशू है अगर हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट है जिसके ऊपर हमारा केस प्रोसीड हो रहा है, या तो उसको प्रोसीड या तो उसको प्रूव करने के लिए प्रोसीड हो रहा है या हम उसको डिसप्रूव करना चाहते हैं कोर्ट में, तो उसको जो है ना हम कहते हैं फैक्ट एंड इशू। तो उसको उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए चाहे तो वो किसी की ओरल जो है वो स्टेटमेंट हो या डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट हो, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास वर्चुअल फॉर्मेट में भी एविडेंस हो सकती है। अब ये ई डिस्कवरी क्या है? ई डिस्कवरी इज अ रिलेटेड टर्म दैट हैज गेन्ड यूज इन टू इनकॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। ESI कहते हैं इसको ना, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन टू द डिस्कवरी प्रोसेस विच इज कंपल्सरी डिस्क्लोजर एट अ पार्टीज रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू द लिटिगेशन। क्योंकि हम जाहिर सी बात सारी बात ही लिटिगेशन से मुतालिक यहाँ पे कर रहे हैं, तो ई डिस्कवरी कहलाती है ESI को, या फिर इलेक्ट्रॉनिकल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना, उसको जो है वो फाइंड आउट करने को कहते हैं। ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी इज द एक्ट ऑफ प्रूविंग दैट समथिंग एज अ डॉक्यूमेंट इज ट्रू और जेन्युइन। चाहे वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो हम अगर ई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी बात करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी उसकी जेन्युइननेस कहलाती है, यानी उसका असली होना, उसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन ना होना। Especially to it may be admitted as an evidence. यानी अगर हमारे पास किसी किस्म की if we have some type of evidence, then it may be genuine, but it could be also admitted as an evidence. Means it has a some entity. यानी वो कोई ऐसी चीज हो जो एक record के अंदर हम पेश कर सकते हो और उसकी अथेंटिसिटी भी ये कहलाएगी कि वो जेन्युइन है, हमारा जो भी हमारी एविडेंस है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, ओरल एविडेंस है या हमारे पास वो जो है वो वर्चुअल एविडेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चेन ऑफ कस्टडी। हम बार बार चेन ऑफ कस्टडी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉरेंसिक्स के अंदर, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी जो है किसी भी चीज की अथेंटिसिटी जो है वो चेन ऑफ कस्टडी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो चेन ऑफ कस्टडी है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एविडेंस। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई एविडेंस रिकवर की है तो वो जब मैं आपके हवाले करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने कहीं से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए हैं या किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड एविडेंस जो है वो मैंने कॉपी की है अपने किसी फ्लॉपी डिस्क में या USB में या किसी भी फॉर्मेट में, फिर मैं उसको अगर किसी दूसरे के हवाले करती हूँ, तो
तो फिर जब मुझे वो एविडेंस वापस रिसीव होती है कोर्ट ऑफ लॉ में, जब मैं उसको प्रोड्यूस करूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ये मेरे बाद किसके पास थी और उसके बाद ये एविडेंस जो थी वो कहाँ स्टोर्ड थी। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उसको बीच में से चेंज कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो, आल्टर कर दिया हो, या किसी किस्म का उसको जो है नॉन रीडेबल बना दिया हो। ऐसी कोई चीज अगर उसके अंदर हो जाए बीच में, तो उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए किस किस के पास थी। इस तरीके से क्या होगा कि एक तो हमें यह पता चलेगा कि हमारी जो एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ किसने की है। दूसरा, अगर अगर तो वो बीच में चेंज नहीं हुई एज इट इज है, तो उसकी जो है मिसाल के तौर पर अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ में कहते हैं कि ये हमारी जो है एविडेंस है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोर्ट हमसे पूछेगी कि चेन ऑफ कस्टडी आप बताएं, या कोई एडवोकेट जो जो भी डिफेंडेंट साइड से अगर हमें तो कंप्लेनेंट साइड का पूछ सकता है, अगर हम कंप्लेनेंट साइड से हैं तो हमारे से डिफेंडेंट साइड का पूछ सकता है, यानी अक्यूज साइड से कोई पूछ सकता है कि जनाब आप ये बताइए कि ये जो आपके पास एविडेंस है ये आप आपके पास इसकी चेन ऑफ कस्टडी बताएं, जब आपने रिकवर की तो आपने किसके हवाले की, उसके बाद ये किसके पास जो है सिक्योर थी या नहीं थी, या ये सील है नहीं है। तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी, यानी हैंडल किसने किया, किसके पास ये रही। और ऐसा तो नहीं है कि बीच में से किसी के पास जो है किसी का नाम मिसिंग हो। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी के हवाले की, फिर उस बंदे ने कहा कि मुझे याद नहीं है मैंने किसको दी, अब ये तो कोई बात नहीं है याद नहीं, या फिर बीच में अगर किसी ऐसे शख्स के हाथ में चली गई कि जिसका जो है वो नाम ही डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा, तो फिर उसकी जो है क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो जाती है चीज। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एविडेंस विच क्रिएट्स एंड मेंटेन्स अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल हु अज्यूम और रिलीज पोजीशन ऑफ द एविडेंस। द चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड प्रोवाइड्स बोथ अ कंटिन्यूटी ऑफ द कस्टडी फ्रॉम एक्विजिशन टू प्रेजेंटेशन। एक्विजिशन यानी जहां से रिकवरी हुई, जहां से हमने उसको अक्वायर्ड किया, टू प्रेजेंटेशन यानी एट द टाइम ऑफ कोर्ट प्रेजेंटेशन। बिटवीन दीज टू ट्रांजेक्शंस किस किस के पास जो है हमारी वो जो एविडेंस है, या जो हमारे पास इसी किस्म का कोई डेटा है, तो वो किस किस के पास था, एंड अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव हैड पोजेशन ऑफ द एविडेंस। अच्छा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज डिफाइंड एज अ रिक्वायरमेंट दैट इंफॉर्मेशन and programs are changed only in a specified and authorized manner. The authorized alteration of a data occur internationally or unintentionally. yani isme jo hai hamare paas agar kisi kisam ka koi data maujood hai uski integrity kya hai ki usko agar humne agar wo kabhi kahin change hua hai to authorized manner mein uske andar kisi kisam ki changing aayi hai, otherwise nahi. ठीक है, अ रिक्वायरमेंट दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर चेंज ओनली इन स्पेसिफाइड एंड ऑथराइज्ड मैनर। ऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ अ डेटा अकर्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कैन अफेक्ट द वेट ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। अगर तो किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग की गई है, चाहे वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, तो उससे भी किसी भी डेटा की ऑथेंटिसिटी या इंटेग्रिटी के ऊपर जो है फर्क पड़ता है, उस पर क्वेश्चन रेज हो सकता है, उसकी वेटेज जो कोर्ट ऑफ एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है वो उसकी शेक हो जाती है उसमें। अभी हैशिंग एक प्रोसेस है। हैशिंग क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अमाउंट ऑफ डेटा सच एज अ फाइल और अ इमेज ऑफ अ हार्ड ड्राइव एंड अप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू जनरेट अ रिलेटिवली कॉम्पैक्ट न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर दैट हैश वॉल्यूम यूनिक to that data. Two non-identical pieces of data generated the same hash value are removed. yani iska matlab ye hai ki hashing kisi bhi data ko hashing ki jati hai usko secure karne ke liye. Hashing is a process jiske zariye jo data recovered hua hai kahin se usko jo hai complex mathematical algorithm ko istemal karke usko convert kar diya jata hai aisi format mein ki usko change na kiya ja sake, lekin jo uska volume hai ya jo uska jo hamare paas uski jo format, chahe hum usko hashing kar dein ya na kare, jab hum usko dobara convert karenge to wo hamare paas jo results aayenge wo bilkul unshaken honge aur same hoga. यानी चाहे कोई इमेज है, चाहे वो किसी हार्ड डिस्क की हमने इमेज लिया है, या कोई फाइल है हमारे पास, उसको अगर हम हैशिंग करते हैं, तो हैशिंग का मतलब है हैशिंग का यानी कि उसको हम
कोडिफाई कर देते हैं, कोडिफाई कर देते हैं, वो इस फॉर्मेट में चला जाता है कि उसको आम लोग नहीं पढ़ सकते। कोई ऐसा शख्स ही उसको जो है, जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं हो जाता रीडेबल फॉर्मेट में, तब तक वो उसको कोई भी शख्स जो है वो उसको ना तो समझ सकता है और ना ही उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग कर सकता है। अब हमारे पास की एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद जो भी किसी किस्म का कोई वाकया होता है उसकी जो है हमारे पास अवेयरनेस और कंसल्टेशन हमारे पास आती है कि जहाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो है किसी किस्म का कोई धोखा हो गया है, कोई फ्रॉड हो गया है, या किसी किस्म का, जैसे अगर मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात करें, हम कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, छोटे छोटे डेटास के साथ जो, यानी छोटे छोटे अकाउंट्स में से जो है एक ही तरफ जो है डेटा फ्लो करता रहा और पता चला कि एक जगह जाके वो रकम अरबों खरबों में तब्दील हो गई और बाकी जो स्मॉल जितने भी अकाउंट्स थे वो खाली हो गए। तो ये एक इंसिडेंट हो गया। उसकी कंसल्टेशन क्या है कि किसी भी अथोराइज पर्सन के साथ बैठकर उसकी बात की। उसके बाद क्या हुआ कि एक एफिडेविट की शक्ल में हमारे पास जो है कंप्लेन आ गई, फिर वो कंप्लेन प्रेजेंट हुई, फिर उसके ऊपर जो है किसी किस्म की जो है प्रिलिमिनरी या फाइनल रिपोर्ट उसके ऊपर आई, डिटेल एनालिसिस हुआ उसका। अब जब एनालिसिस किया तो इसी जो है हमारे इसी सिनेरियो के अंदर हमें पता चला वहां पर कोई एविडेंस एग्जिस्ट कर रही है जो कि हमारे पास जो है वर्चुअल फॉर्मेट में है। फिर हमने उसका जो इमेज ले लिया और फिर उस इमेज की हमने एनालिसिस की, यानी इमेज हम कॉपी उसकी कॉपी कर लेने को, या जैसे हम उसकी जो है वो एक जैसे हम अपने कॉपी पेस्ट वाला चक्कर चलाते हैं कि हम इधर से फाइल कॉपी करके अपने यूएसबी में ले लेते हैं, फिर उस डेटा को जाके एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी और क्या इसके अंदर जो है रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। अब हमारे पास जो डेटा अक्वायर होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले है वॉलेटाइल डेटा व्हिच इज एंड यूज बाय अ सिस्टम बट नॉट रिटन टू मीडिया। डेटा इन मेमोरी नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क स्टेटस हो सकता है, किसी कनेक्शन एंड रनिंग प्रोसेस हो सकता है। वॉलेटाइल डेटा ये है कि मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर कोई आया जो है पोस्ट किसी की लगी हुई है, वो जो है एक ऐसा डेटा है जो कि नेटवर्क पर मौजूद है, या मिसाल के तौर पर किसी ऐसे सिस्टम में कोई डेटा मौजूद है जो कि अंडर प्रोसेस है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मोबाइल फोन की अगर हम कॉल रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो वॉलेटाइल डेटा कहलाता है, क्योंकि वो जो है रियल टाइम होता है, उस वक्त उसके अंदर मौजूद होता है जो सिस्टम है। ऐसा डेटा हो सकता है जो कि कहीं पर सिक्योर है, सिक्योर का मतलब ये कि अंडर प्रोसेस है, नेटवर्क पर है, कनेक्शन में, रनिंग प्रोसेस में, यानी किसी एक जगह पर स्टोर्ड उसमें फॉर्मेट में पड़ा हुआ नहीं है बल्कि अंडर प्रोसेस है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेमी वॉलेटाइल डेटा। सेमी वॉलेटाइल डेटा क्या है? डेटा दैट आर ओवर रिटन आफ्टर अ पीरियड टेम्पररीली फाइल प्रोग्राम लॉग्स। यानी जैसा कि अगर किसी की कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं तो वो कॉल रिकॉर्ड होने के बाद में स्टोर्ड फॉर्मेट में फॉर टेम्पररी टाइम होती है, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स हजारों करोड़ों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनका कॉल रिकॉर्ड ज्यादा दिनों तक रिटेन नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। तो वो जो है तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जो है उनके पास अगर स्टोर्ड होता है डेटा तो वो मैसेजेस का रिकॉर्ड या जो भी कॉल रिकॉर्ड है वो होता है ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का, बस 90 डेज का होता है। उसके बाद वो टेम्पररी फाइल्स होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से रिमूव होती जाती है, जैसे एक एक दिन की जो है वो फाइल उसमें से डिलीट होती जाएगी और आगे आने वाली एक एक दिन की फाइल उसमें स्टोर होती जाएगी। एग्जैक्टली जैसे आज हमारे पास 30 तारीख है तो आज से हम 30 तारीख जो है हम 90 डेज पीछे जाएंगे तो आज का जो डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा और जो प्रीवियसली 91 डे का जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये डेटा जो टेम्पररी फाइल में मौजूद होता है इसे सेमी वॉलेटाइल डेटा कहा जाता है। अच्छा, तीसरी किस्म का डेटा हमारे पास होता है सिस्टम एंड डेटा बैकअप। ये क्या है कि ये हमारे पास सिस्टम के अंदर बैकअप के अंदर भी मौजूद है, हम चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे लैपटॉप के अंदर कोई डेटा मौजूद है उसको डिलीट कर दूं तब भी क्या होगा कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको रिकवर करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो तमाम वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा है। अब ये इसका साइबर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन जो है वर्क फ्लो होता है, ठीक है।
विक्टम जो है उसके बाद हमारे पास इसके अंदर विक्टम क्या करता है कि किसी जो है रेस्पॉन्स सेंटर के पास जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराता है, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर सबसे पहले क्या होती है कि जो भी नेशनल रेस्पॉन्स सेंटर होता है उसका काम होता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का क्राइम। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जब उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है तो जो उसकी कंप्लेन हमारे पास आई होती है उसको एफआईआर की शक्ल मिल जाती है, अगर वो जो हमारे पास उसके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाती है वाकई ऐसा क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है। फिर उसका उसके से रिलेटेड जितना भी डेटा जहां जहां मौजूद होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर वो इंटरनेशनल लेवल का क्राइम है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद अगर इंटरनेशनल लेवल पर किया गया क्राइम है यानी किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले शख्स ने किया है तो फिर उसके अंदर बाकायदा जो है इंटरनेशनल जो सपोर्ट ग्रुप है या हमारे पास इंटरपोल है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और फिर ये जो है इस तरीके से किसी भी साइबर क्राइम को डिस्क्लोज किया जाता है और वहां से जाकर के उस बंदे को पकड़ा जाता है। और अगर वो नेशनल लेवल पे होता है तो वो इंटरनली सारा का सारा काम हमारी पुलिस करती है और फिर साथ में एफआईए हमारे पास इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या कौन कौन सी पार्टीज जो है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमारे पास इन्वॉल्व, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा या फिर जो लीगल एडवाइजर होगा एफआईए का, लीगल एडवाइजर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आजकल क्या किया है कि इन्होंने एलएलबी किए हुए लोगों को भर्ती कर लिया है, तो जो एलएलबी किए हुए होते हैं वो लाइक लीगल एडवाइजर भी काम कर रहे होते हैं, उनको लॉ का भी पता है और साथ में इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। तो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है वो सर्च वारंट दिया जा सकता है। फिर जब सर्च वारंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेगा तो सीजर का राइट भी किसके पास है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर्च एंड सीजर कर सकता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंसिडेंट या फिर जहां पर हम जो डेटा मौजूद है वहां से। अब जो डिजिटल एविडेंस उसके पास आई है उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो इख्तियार है वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास है, या तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, यानी अगर एक तो आईओ होता है एक उसको असिस्ट कर रहा होता है, मतलब या तो आईओ खुद इन पर्सन करेगा या फिर उसके साथ जो अगर कोई असिस्ट कर रहा है उसको बंदा तो वो भी कर सकता है। फिर जब वो एविडेंस डिजिटल एक्वायर हो गई, सीज हो गई, अब उसके बाद वही सेम डिजिटल एविडेंस जाएगी कहाँ, डिजिटल फॉरेंसिक्स के पास। फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स वाला क्या करेगा उसको, उसके ऊपर लीगल एडवाइजर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके लिए उसकी प्रिपरेशन करेगा एनालिसिस रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करके उसके हवाले करेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम होगा कि उस केस को कंप्लीट उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर आएगा। ये उसका इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंट प्रोसेस है। साइबर फॉरेंसिक क्या करेगा, साइबर फॉरेंसिक्स जो है इसके प्रोसीजर के अंदर स्टेप्स हैं कुछ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इज कंसर्न विद द कंफर्मेशन दैट इंसिडेंट और एक्शन हैज अकर्ड दैट वारंट द इंटीमेशन ऑफ द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले जब उसके पास कोई भी फॉरेंसिक से रिलेटेड यानी कोई भी डिजिटल फॉरेंसिक्स या साइबर फॉरेंसिक्स से रिलेटेड उसके पास किसी भी एक्सपर्ट के पास एविडेंस आएगी या उसके पास कोई डेटा सीज होकर आएगा, उसका काम सबसे पहला ये है कि वो वेरीफाई करे कि आया कि ऐसा कोई वाकया हुआ भी है या सिर्फ ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। द क्राइटेरिया फॉर वेरीफिकेशन कैन केम फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस। अब उसके लिए क्या क्या होगा कि कहाँ से किस तरह ईमेल आई, कैसे जनरेट हुई, उसके रिजल्ट के अंदर क्या वाकई इस बंदे ने किसी के किसी को कुछ पैसे दिए, क्या किया। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने जब पढ़ाया था आपको साइबर फॉरेंसिक्स तो हाँ सॉरी साइबर लॉ, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट ईमेल्स के जरिए भी फ्रॉड कमिट होते हैं कि आपका ये नाम निकला है, आपका फला है, आप उसको ले लें, आप उसके लिए ये टैक्स पे करें। क्या ऐसी कोई जो है इंसेंटिव्स दिए गए थे,
अगर दिए गए थे तो कहाँ से ईमेल आई थी और किसने उसको रिसीव किया, किस डेस्टिनेशन पे, तो उसमें डिफरेंट जो है वो सोर्सेज इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, इंटरनल पॉलिसीज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो सकती है, वहां के लोकल लोग कहीं के, जैसे हमारे अगर मुसलमान और हमारा पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो कोई केस है तो यहाँ की लोकल जो अथॉरिटीज है उसमें, या मिसाल के तौर पर बैंक से पैसे ट्रांसफर किए गए तो बैंक इन्वॉल्व हो सकती है, अब बैंक से भी वहां से भी हमें जो है एविडेंस मिल सकती है इसकी, फेडरल लॉज इन्वॉल्व होंगे और इंटरनल पॉलिसीज या पुलिस हमारी जो है वो भी अपने तौर पर वर्क करेगी। इसका जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन एंड सिस्टम डिस्क्रिप्शन। अब ये वेरीफाई हो गया कि वाकया वाकई हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बाद ये पता चलाना कि अब इसकी जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है, कौन कौन से हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से हमें एविडेंस कलेक्ट करनी है। अब सेकंड उसका स्टेप हमारे पास आ गया, फ्रॉम एन ई डिस्कवरी पर्सपेक्टिव दिस इज द पॉइंट एट विच ट्रिगरिंग इवेंट हैज occurred and has been verified, potentially source of data such as system, subject matter experts such as forensic analysts and other required resources will be identified and allocated at this point. Second step के अंदर जब incident के होने का पता चल गया, अब उसके अंदर देखा जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ से data available हो सकता है और कौन कौन जो है इस data को अवेल करने में हेल्प आउट कर सकता है, और ये सारी की सारी आइडेंटिफाई करें सोर्सेज ऑफ, जिसको हम कहेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिजिटल एविडेंस। फ्रॉम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव दिस इज द पॉइंट एट विच डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम इन स्कोप विल बी एलोकेटेड कलेक्टेड बाय द फॉरेंसिक एनालिस्ट और सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पर आकर के डिटेल्ड एविडेंस जहां जहां से जितनी इवन स्मॉल से स्मॉल एविडेंस भी कलेक्ट करनी, उससे क्या होगा कि चेन ऑफ एविडेंस बनेगी, ठीक है। चेन ऑफ एविडेंस किस तरह बनती है कि यहाँ ये वाकया हुआ, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, अगर सीरीज ऑफ एविडेंस जो है वो इंसिडेंट टूट जाए तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में अपने केस को प्रूफ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्मॉल से स्मॉल एविडेंस भी कलेक्ट करना। अच्छा, अब इसके अंदर प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के अंदर हमारे पास जो था अब थर्ड स्टेप आ गया, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि प्रिजर्वेशन कलेक्शन एंड एविडेंस। अब हमें पता चल गया कहां कहां पर हमारी एविडेंस मौजूद है, अब हमने उस सारी एविडेंस को कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और अक्वायर करना है, ठीक है। अक्विजिशन कंसर्न विद अक्विजिशन अक्वायरिंग रिलेवेंट डेटा इन स्कोप इन अ मैनर द मिनिमाइज डेटा लॉस in a manner that is alleged defensible, audible, proportionate, reasonable and efficient. Forensic investigation is primarily concerned with the following four principles. कौन कौन से? सबसे पहले के minimization of the data loss. आपने कोशिश करनी है कि data loss minimize हो, कम से कम data loss हो, और ज्यादा से ज्यादा data जो है हमारे पास वो हमें बिल्कुल सही format में हासिल हो सके। नंबर टू, द रिकॉर्डिंग ऑफ डिटेल्स नोड, बिल्कुल हमारे पास हर किस्म के, मैंने कहा ना कि छोटी से छोटी भी हमें इंफॉर्मेशन इग्नोर नहीं करनी, ठीक है। नंबर थ्री, द एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डेटा एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स, हमने वो डेटा कलेक्ट कर लिया वहां से और उसके अंदर से हमें क्या फाइंडिंग्स हासिल हुई कि क्या इंसिडेंट किस तरीके से और किस मैनर के अंदर जो है वो हुआ है, और उस पूरी डिटेल हमने उसकी रिपोर्ट एक बनानी। अच्छा, सिस्टम एंड डेटा इन स्कोप शुड बी हैंडल्ड इन सच अ वे टू अवॉइड डेटा डिस्ट्रक्शन एंड अ प्रिजर्वेशन प्लान शुड बी डेवलप प्रायर टू द एग्जीक्यूशन। जब डेटा हासिल हो गया, हमने उस पर रिपोर्ट बना ली, हमने उसके अंदर से डेटा लॉस को भी कोशिश की कि कम से कम डेटा लॉस ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके, उसके अंदर हम स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम सिस्टम के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पास अगर कोई वेबसाइट्स हैं तो वो भी हम ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सब कुछ हमने सब काम कर लिया। अब हमें उस डेटा को प्रिजर्व करना है और प्रिजर्व करने के लिए एक प्लान होना चाहिए बाकायदा, उसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास जो उस फील्ड का माहिर बंदा होगा वो ही इस काम को कर सकता है।
अब हमारे पास जो स्टेप थ्री की गाइडलाइंस है वो क्या है फॉरेंसिक के अंदर, सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस, जो मैंने आपको कहा कि चेन ऑफ इंसिडेंट्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज मैनर में होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूजिंग कंसिस्टेंट प्रोसेस टू प्रिजर्व कलेक्टेड डेटा इन अ लीगली डिफेंसिबल मैनर। यानी कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस जब हमारे पास होगी तो हमें उसको इस तरह प्रिजर्व करना है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंटेबल हो और डिफेंसिबल हो, यानी ऐसा ना हो कि डिफेंडेंट साइड से या अक्यूज साइड से कोई भी शख्स उसको दो मिनट के अंदर डाउटफुल कर दे, हमने उसको अनडाउटेड मैनर के अंदर उसको सिक्योर करना है। उसके लिए क्या चीज जरूरी है, यूज द फॉरेंसिक टूल किट। फॉरेंसिक डेटा को प्रिजर्व करने के लिए जो फॉरेंसिक टूल किट्स होती हैं उनका इस्तेमाल होगा। और जो लाइव एक्विजिशन है, लाइव यानी कि जो हमारे पास डेटा सिस्टम है मौजूद उसकी लाइव एक्विजिशन सबसे बेस्ट जो है वो एक मैनर है। व्हेन पॉसिबल द एक्विजिशन ऑफ अ लाइव सिस्टम इंक्लूडिंग वॉलेटाइल डेटा शुड बी अचीव्ड। दिस टाइप ऑफ एक्विजिशन विल कैप्चर अ स्नैपशॉट ऑफ सिस्टम इन क्वेश्चन इंक्लूडिंग कंटेंट ऑफ द मेमोरी रनिंग प्रोसेस एंड द नेटवर्क कनेक्शन एज वेल एज एलोकेटेड द डिलीटेड फाइल्स। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जो फाइलें ऑलरेडी डिलीट हो गई उनको रिकवर करना भी शामिल है। अच्छा, बिट स्ट्रीमिंग इमेज क्या है, बिट स्ट्रीमिंग इमेज या AKA डिस्क इमेजिंग जनरेट अ बिट फॉर बिट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मीडिया इंक्लूडिंग अनएलोकेटेड डिलीटेड डेटा। Bit streaming imaging requires access to the entire volume, a requirement more easily accomplished with a low capacity system. Bit streaming imaging जो है ये होती है एक खास किस्म के जो है वो उसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है कि पूरी टोटल जो मेमोरी है उसके अंदर चाहे वो डिलीटेड है चाहे वो नहीं है डिलीटेड, वो सारा का सारा डेटा जो है वो रिकवर भी हो जाता है साथ में और पूरे की पूरे की एक कॉपी भी तैयार हो जाती है। उसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, मेक नो चेंजेस ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशन कलेक्शन प्रोसेस, डू नॉट अल्टर डिलीट और ऐड डेटा विद इन रीजन। द यूज ऑफ फॉरेंसिक टूलकिट विल हेल्प रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कलेक्शन ऑन द टारगेटेड मीडिया इन रीड ओनली मोड। Take hash volume after all electronic data should be hashed at the point of acquisition. जैसे ही कोई data acquire होगा, उसको हमेशा hashing की जाती है। Hashing का मतलब ये कि वो data as it is जैसे है वैसे की बुनियाद के ऊपर जो है उसको secure किया जाता है और उसके उसको जो है वो codify कर दिया जाता है ताकि कोई शख्स उसको change ना कर सके। Log everything. Forensic analyst should keep details log of the action they perform through acquisition and the collection process. Log can be created and maintained either on a pad or in electronic form, paper or in electronic form. Yani jo bhi process follow kiya hoga forensic expert ne usko kya karna hai, usko record karna hai, wo dono suraton mein ho sakta hai. Ya to usko electronic format ke andar ek file bana ke bhi usko save kiya ja sakta hai, lekin usko paper work ki bhi uska kiya ja sakta hai, yani hard copy nikal di jaye har process ko. Uske baad kya hai ki record and preserve chain of custody, jo hum already discuss kar chuke hain ki chain of custody kisi bhi data ki authenticity integrity ko jo hai badha deti hai. The chain of custody should be recorded, begin with the data acquisition and be maintained until acceptance as evidence. अब हमारा आ गया तकरीबन जो है ये हम बाकी मेरे ख्याल में बाकी स्टेप्स हम कल पढ़ लेंगे, अभी थोड़े दो तीन स्टेप्स इसके जो है सॉरी पॉइंट्स रह रहे हैं ताकि हमारी कल की भी क्लास हो सके. अगर आज हम सारा पढ़ लेंगे तो कल तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे. फिर चले हम यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं और हमारी मीटिंग का जो टाइम है वो भी क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है. अच्छा, सीआर सो गए क्या सारे?